SW24 न्यूज चैनल के डायरेक्टर वारिस खान के विरुद्ध झूठी FIR दर्ज करने के विरोध में भारतीय पत्रकार संघ कसरावत के पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी कसरावत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि थाना कोतवाली खंडवा में न्यूज चैनल के डायरेक्टर श्री वारिस खान के विरुद्ध खंडवा के कॉलोनाइजर द्वारा दुर्भावना से ग्रस्त होकर FIR दर्ज की और पुलिस द्वारा भी तत्परता दिखाते हुए बिना जांच के FIR दर्ज कर ली गई। इसके विरोध में आज कसरावत भारतीय पत्रकार संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर इस दुर्भावनापूर्ण पुलिस शिकायत निरस्त करने हेतु ज्ञापन दिया। भारतीय पत्रकार संघ अध्यक्ष श्री अबरार खान द्वारा बताया गया कि इस तरह बिना जांच की FIR दर्ज करने से पत्रकारों का मनोबल टूटेगा और वह निष्पक्ष तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अकील खान द्वारा बताया गया कि पत्रकार आमजन की आवाज है तथा आमजन की समस्या उठाना इसका मुख्य कार्य है। इस तरह से प्रकरण से कहीं न कहीं पत्रकारिता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे प्रकरण को संज्ञान में लेकर झूठी शिकायतों को निरस्त किया जाना चाहिए, अन्यथा पत्रकार भयभीत रहेंगे और अवैध गतिविधियां करने वालों के हौसले बुलंद होंगे। पैसे के दम पर लोग पत्रकारों को दबाने का प्रयास करते रहेंगे। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आज पत्रकार संघ ने ज्ञापन दिया, क्या मुद्दा था? आज भारतीय पत्रकार संगठन के तले हमने ज्ञापन दिया है। हमारे पत्रकार साथियों पर झूठी शिकायतें दर्ज हो रही है, झूठे केस दर्ज हो रहे हैं, इसको लेकर हमने आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है ताकि इस पे पहले जांच की जाए। बगैर जांच के किसी पे FIR दर्ज नहीं हो, इसमें पत्रकारों का मनोबल टूटता है और पत्रकार परेशान होते हैं, इसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और सभी जिला तहसील सभी स्तर पर दिया जा रहा है ताकि इस पे जांच हो और फिर कार्रवाई हो तो ठीक रहेगा। किसी ने अगर जानकारी मांगी है तो उस पर भी जांच की जाना चाहिए। जांच जानकारी मांगी है उस पर जांच नहीं हो रही है, किसी ने RTI की जानकारी मांगी है उस पर जांच होती नहीं है, उस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच करनी चाहिए। अगर वो सामने वाला झूठा है तो उस पर भी केस करना चाहिए, लेकिन पत्रकार साथियों पर झूठी केस दायर होते हैं इस पर पहले जांच करनी चाहिए। अबरार पठान, कौन से पद पे पत्रकार? तहसील, भारतीय पत्रकार तहसील संगठन अध्यक्ष। आज जो ज्ञापन दिया भारतीय संगठन ने, भारतीय पत्रकार संगठन ने, क्या मामला है जी? देखा जाए तो पत्रकारों के खिलाफ जिस तरीके से मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम पत्रकारों से कोई ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, इस तरीके से सारी बातें होती है, लेकिन आए दिनों पत्रकारों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर हम बड़े ही परेशान हैं। हमारे जो पत्रकार साथी वारिस खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हुई अत्यंत हास्यास्पद लगती है। जिस तरीके से तत्काल पुलिस की कार्रवाई इतनी फुर्ती से की गई कि अगर पुलिस इसी तरीके की कार्रवाई करती रहे तो शायद क्षेत्र से जो अपराध है वो पूरी तरह से गायब होंगे। जब RTI के लिए जानकारी मांगी गई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हुए जो RTI जिसने मांगी है उसके खिलाफ पैसा वसूली के लिए इतनी जल्दी कार्रवाई कर देना निश्चित ही कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े करता है। तो हम पत्रकार साथी आज उसी की मांग को लेकर आए थे कि तत्काल जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उसे वापस लिया जाना चाहिए और ये जाँच का विषय है कि यदि उन्होंने पैसा मांगा था तो उसके ऊपर जांच किए बगैर, आज सभी जानते हैं कि पुलिस में अगर कोई रिपोर्ट की जाती है तो उसके लिए पहले जांच की जाती है। एक जिम्मेदार जो न्यूज रिपोर्टर है और उसके खिलाफ तत्काल इतनी फुर्ती से FIR दर्ज कर लेना निश्चित ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि ऐसे केसों को देखा जाए और पत्रकार जो कि हर कार्य में हम शासकीय जितने भी कार्य है हम लगातार हमारी सेवाएं देते रहते हैं और हमारे ऊपर इस तरीके से हमले होंगे तो लोग पत्रकारिता से डरेंगे और इस क्षेत्र में आने से पहले बार बार सोचेंगे। तो मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि इसके ऊपर संज्ञान ले और तत्काल FIR को रद्द किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर जांच में हमारा पत्रकार साथी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन बगैर जांच करे अगर ये कार्रवाई की गई है निश्चित ही निंदनीय है। क्या नाम लिखा है? अकील खान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।